अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तानी शहीन का इमरजिंग एशिया कप के लिए ज़बरदस्त स्क्वाड का ऐलान। पाकिस्तान सीनियर टीम के खिलाड़ी भी पाकिस्तानी शहीन के स्क्वाड में शामिल। कौन से खिलाड़ी एशिया कप के लिए पाकिस्तानी शहीन के स्क्वाड में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन इससे पहले जो लोग चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए इस वीडियो को तफसील से शुरू करते हैं। इमरजिंग एशिया कप जो कि 14 जुलाई से 23 जुलाई तक श्रीलंका में खेला जाना है, जहां पाकिस्तानी टीम ने अपनी मुहिम का आगाज़ 16 जुलाई से इंडिया ए के खिलाफ मैच से करना है। और इसके लिए पाकिस्तानी शहीन का एक बेहतरीन खिलाड़ी पर मुश्तमिल स्क्वाड का ऐलान किया गया है, जिसमें पाकिस्तानी टीम के विकेट कीपर बैट्समैन हारिस को कप्तान और सैम अयूब को नायब कप्तान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन दोनों की सरबराही में पाकिस्तानी इमरजिंग एशिया कप के लिए मैदान में उतरेगा। और इससे पहले 2021 में पाकिस्तानी टीम सऊद शकील की कप्तानी में इमरजिंग एशिया कप जीत चुकी है और इस बार स्क्वाड भी बहुत बैलेंस स्क्वाड है। चलिए स्क्वाड पर नज़र डालते हैं, जिसमें कप्तान हारिस, नायब कप्तान सैम अयूब, उमेर बिन यूसुफ, अमाद भट्ट, अरशद इकबाल, हसीबुल्ला, कामरान गुलाम, मेहरान मुमताज़, मुबशर खान, मोहम्मद वसीम, कासिम अकरम, साहिबजदा फरहान, शाह नवाज़ दानी, सुफियान मुकीम और तैयब ताहिर शामिल हैं। दोस्तों, ये पाकिस्तानी शहीन का इमरजिंग एशिया कप के लिए एक शानदार स्क्वाड है। आखिर में वीडियो को लाइक कीजिएगा। नई वीडियो के साथ दोबारा आएंगे। अल्लाह ने के बाद